शांत रहो बस। अब गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज आपका लास्ट चैप्टर में चैप्टर 6 के कुछ टूल्स पढ़े थे, जिसमें से एक था हमारा ब्लर टूल। आज हम लोग आपका डॉज टूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डॉज टूल जो है वो आपका यूज़ किया जाता है जो आपके पिक्सल्स होते हैं उनको कम करने के लिए। जो आपका डॉज टूल होता है वो आपकी इमेज की क्वालिटी को थोड़ा कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है ओ। इसको यूज़ कैसे करते हैं हम ये बता देते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स यूज़ करने के लिए सबसे पहले है किसी भी इमेज को ओपन कीजिए, फिर डॉज टूल को सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, ऑप्शन बार में जाइए, वहाँ पे ब्रश चेंज सिलेक्ट कीजिए एंड ड्रेन सेलेक्ट कीजिए एंड एक्सपोजर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे आपको दो तीन चीज़ें ये आपको वहाँ पे दिखाई जाएंगी। ये चीज़ें आपका है, ये चीज़ें इफ़ेक्ट करेंगी आपकी इमेज को कि उसकी पिक्सल्स कितने कम होंगे। जब आप इन सब चीज़ों को रेंज सेलेक्ट कर लेंगे एंड एक्सपोजर सेलेक्ट कर लेंगे, तब आपको क्या करना है माउस को आपको अपनी इमेज पे ड्रैग करना है, ऑटोमेटिकली आपके पिक्सल्स कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है बर्न टूल। बर्न टूल का स्टूडेंट्स वर्क क्या होता है, जस्ट आपका डॉज टूल का उल्टा वर्क करता है। कैसे वर्क करता है स्टूडेंट्स, आपका बर्न टूल डॉज टूल का जस्ट अपोजिट वर्क करता है। इट इज़ यूज टू डार्कन द पिक्सल इन द इमेज। आपका फर्स्ट वाला था लाइटर करने के लिए एंड सेकेंड वाला क्या है डार्कन करने के लिए। लाइट एंड डार्क, जैसा आपका नेम है वैसे ही इनका वर्क है। जैसे आपकी ब्राइटनेस बढ़ती है एंड कम होती है, वैसे ही किसी इमेज के पिक्सल्स बढ़ते या घटते हैं उनमें भी लाइटिंग। वो जितने ज़्यादा लाइटर पिक्सल होंगे उतनी ज़्यादा इमेज आपको क्लियर दिखाई देगी एंड जितने ज़्यादा डार्कन होंगे उतनी कम दिखाई देगी। बर्न टूल, जैसे आपका बर्न टूल का शॉर्टकट भी आपका डॉज टूल की तरह ही वो है। इसमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले इमेज ओपन करना है, फिर आपको बर्न टूल सिलेक्ट करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, इमेज ओपन करके आपको बर्न टूल सिलेक्ट करना है, फिर आपको जाना है ऑप्शन बार में। जैसे आपने वहाँ पे ब्रश सिलेक्ट किया, रेंज सिलेक्ट की एंड एक्सपोजर सिलेक्ट किया, वैसे ही आपको यहाँ पर तीनों चीज़ें सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद क्या होगा स्टूडेंट्स, आपका प्रेस करना है, आपको होल्ड करना है लेफ्ट माउस बटन को एंड उसको इमेज पे ड्रैग करना है। कहाँ ड्रैग करना है स्टूडेंट्स, इमेज पर ड्रैग करना है। फिर है यू कैन रीटच इंटायर इमेज और यू कैन सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ एन इमेज टू डार्कन। इसमें क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, आप इसके थ्रू पूरी कंप्लीट इमेज जितनी भी है आपकी उसको कंप्लीटली दे सकते हैं, रीटच कर सकते हैं, या फिर आप किसी एक सिर्फ पार्ट को, मीन्स आप या तो पूरी इमेज जितनी बड़ी है उस पर कर दें या फिर कोई एक हल्का सा उसका पार्ट है उसमें आप अपना डार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स डार्क ग्रेडियंट टूल। ग्रेडियंट टूल को यूज़ करने के लिए स्टूडेंट्स क्या दिया है स्टूडेंट्स, इसका वर्क क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। ग्रेडियंट टूल, जैसा कि मैंने बताया था, ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, मिक्सचर्स एंड शेडिंग होती है कलर्स की। क्या होती है, मिक्सचर्स एंड शेडिंग होती है कलर की। तो इस टूल की मदद से हम इमेज के किसी भी एक पार्ट को ग्रेडियंट टूल की हेल्प से फिल कर सकते हैं, ट्रांजिशन उसकी कर सकते हैं, कलर्स का ट्रांजिशन उसमें ऐड कर सकते हैं किसी भी एक पार्ट पे या फिर इंटायर इमेज पे। ये जो फिल होगा स्टूडेंट्स, ये आपका दो या दो से ज़्यादा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो आपका फिल करेंगे आप कलर्स का, ये आपका दो या दो से ज़्यादा कलर्स कर सकता है। एंड इसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपका ये लीनियर हो सकता है, रेडियल हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, रिफ्लेक्टेड हो सकता है और डायमंड हो सकता है। ये डिफरेंट ग्रेडियंट के
शॉर्टकट है जो स्टूडेंट्स ग्रेडियंट टूल का, वो है आपका जी। इसमें क्या है, आप देखिए चार पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको इमेज को ओपन करना है, फिर जिस एरिया में आप ग्रेडियंट यूज़ करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करना है आपके टूल बॉक्स से, फिर आपको ग्रेडियंट टूल सिलेक्ट करना है। फिर आपको वहाँ पे ऑप्शन बार में डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिखाई देंगे, ग्रेडियंट टाइप एंड मोड्स दिखाई देंगे, ऑपेसिटी दिखाई देगी, रिवर्स, अदर, ट्रांसपेरेंसी, वर्क स्पेस, ऐसी चीज़ें आपको दिखाई देंगी। फिर आप वहाँ पे आपको एक ग्रेडियंट एडिटर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका, आप ग्रेडियंट एडिटर बॉक्स में आप जैसे जैसे एडिट करेंगे वैसे वैसे आपका इमेज में एडिटिंग होती जाएगी। सो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, कल के वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे इसके आगे। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।